माई सेल्फ राजेश कुमार, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं क्रमबद्ध तरीके से उन छात्रों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो किसी कारणवश विद्यालय में कक्षाओं को अटेंड नहीं कर पाते हैं, जो बेहद निम्न वर्ग के होते हैं, वो अपनी समस्या के कारण विद्यालय नहीं आ पाते हैं। नाउ लुक एट द वाइट बोर्ड, दिस इज अ पर्सन टेबल, विदाउट दिस टेबल यू कांट लर्न इंग्लिश, दिस इज द बेसिक नॉलेज। सबसे पहले आपको ये जानना है कि पर्सन्स होते कितनी तरह के हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ पर्सन्स आर देयर। देयर आर ओनली थ्री काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तीन तरह के पर्सन्स होते हैं। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? फर्स्ट पर्सन होता क्या है? जो स्पीकर है, जो बोलता है, वही व्यक्ति फर्स्ट पर्सन होता है। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं, तो जो बोल रहा है वही फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जैसे मैं अपने लिए क्या यूज करूंगा, आई, मैं बोल रहा हूं, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया। सेकंड पर्सन क्या होता है? जो सुन रहा है, जैसे आप सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो आप सेकंड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन क्या होता है? अदर देन थ्री प्रोनाउंस, ऑल द प्रोनाउंस एंड ऑल द प्रॉपर नाउंस आर थर्ड पर्सन, ठीक है ना। आपको ये तीन याद रखने हैं, फर्स्ट और सेकंड पर्सन, बाकी दुनिया के जितने भी प्रोनाउन और प्रॉपर नाउंस हैं वो सब थर्ड पर्सन में चले जाएंगे। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन पर। फर्स्ट पर्सन है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया, जो व्यक्ति बोलता है वही फर्स्ट पर्सन होता है। इसमें दो प्रोनाउन आते हैं, आई और वी। आई को हिंदी में मैं और मैंने कहते हैं। जब आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो आपको वहां मैं और मैंने मिलेगा, तो उसके लिए आप आई लगाएंगे। हम और हमने के लिए आप वी लगाएंगे। आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, इसको हिंदी में मुझे या मुझको बोलते हैं, और अस का हिंदी अर्थ होता है हमें या हमको। और आई का जो पजेसिव केस है माई और माइन होता है, और वी का पजेसिव केस अवर या अवर्स होता है, और आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ और वी का अवर सेल्फ होता है। ये स्वयं के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं स्वयं अपने कपड़े धोता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो स्वयं के लिए आप आई के साथ माई सेल्फ लगाएंगे। हम स्वयं अपने कपड़े धोते हैं तो उसके लिए आप स्वयं के लिए अवर सेल्फ जाएंगे, वी के साथ अवर सेल्फ जाएगा, ठीक है ना। नाउ कम टू द सेकंड पर्सन। जैसा कि आपको मैंने अभी बताया, सेकंड पर्सन वही होता है जो सुन रहा है, जैसे आप सुन रहे हैं। इसमें सिर्फ एक ही प्रोनाउन आता है, यू। यू का अर्थ आप जानते हैं, आप भी बोल देते हैं, तुम भी बोल देते हैं, आपने, तुमने। इन चारों हिंदी शब्दों के लिए एक ही इंग्लिश का शब्द प्रयोग होगा, यू। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, उसको हिंदी में आपको, तुम्हें, तुमको, ठीक है ना। अब जब पजेसिव, कोई चीज आपके अधिकार में है, तो इसका यू का पजेसिव योर और योर्स होता है। इसका हिंदी अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, आपके। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है योरसेल्फ और योरसेल्फ्स। जब आप कोई स्टोरी पढ़ रहे हैं या कोई स्टोरी बना रहे हैं, तब आप उस बात को समझ जाइए कि यू का प्रयोग सिंगुलर में हुआ है कि प्लूरल में हुआ है। अगर सिंगुलर एक व्यक्ति के लिए यू लगाया गया है तो आप योरसेल्फ लगाएं, अगर अधिक व्यक्तियों के लिए बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है तो योरसेल्फ लगाएंगे। नाउ कम टू द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या है? मैंने आपको बताया कि इन तीन प्रोनाउंस को छोड़ दें तो एंटायर वर्ड्स थर्ड पर्सन होते हैं। ही का हिंदी अर्थ होता है वह, उसने। ही पुरुषों के लिए प्रयोग किया जाता है और शी स्त्रियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका भी हिंदी में अर्थ वह और उसने होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम, पजेसिव हिज, और उसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है। शी का ऑब्जेक्टिव केस हर, पजेसिव केस हर और हर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हर सेल्फ होता है। दे का ऑब्जेक्ट देमसेल्फ, पजेसिव केस देयर और देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाम देमसेल्फ होता है। इट का प्रयोग जैसा कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं तो समझ जाइए, दिन, मौसम, महीना, समय आदि जिन वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं। जिन वाक्यों में दिन, समय, महीना, मौसम का वर्णन किया जाता है, उन वाक्यों को इट से बनाया जाता है। इट का वैसे अर्थ हम यह कह सकते हैं, इसलिए मैंने इसका हिंदी में अर्थ नहीं लिखा है। अब आई थिंक वन कुछ छात्रों के लिए नया हो सकता है, कुछ के लिए पुराना। वन का ज्यादातर छात्र एक अर्थ जानते हैं कि वन का अर्थ एक होता है, जबकि वन का इंग्लिश में अर्थ प्रत्येक भी होता है। प्रत्येक इसका ऑब्जेक्ट वन और पजेसिव केस वंस और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वन सेल्फ होता है। आप इसको अच्छी तरह से लर्न कर लें, इसको अच्छी तरह से समझ लें, देन यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द इंग्लिश एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू।